हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉलिड स्टेट को सॉल्व कर रहे हैं और इनका एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 1.16 तक क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग 1.17 से शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए अपना जो 1.17 फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड कॉन्ट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। बोल रहा है सेमीकंडक्टर क्या है, उसके दो टाइप के, दो कौन कौन से टाइप हैं, और साथ साथ ये बताना है कि उनका जो कंडक्शन मैकेनिज्म है वो क्या है। तो देखिए यहाँ समझिएगा, ये अगर बात करें दो सॉलिड्स विच कंडक्टिविटी रेंज लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, जिनका कंडक्टिविटी रेंज जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, उनको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। और हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी रेंज बढ़ता है। ओके, और क्यों बढ़ता है, तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ईजली जम्प फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब यहाँ वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है, तो इसको हम आपको पहले बता दें कि कंडक्शन बैंड जो होता है वो एक खाली डब्बे की तरह है समझिए, और वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब हम सेमीकंडक्टर की भी बात करते हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के नियर होते हैं इस तरीके से, जिससे इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हो पाता है, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और इसकी वजह से कंडक्शन हो पाता है, कंडक्टिविटी हो पाती है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है, तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में छोटा सा गैप होता है, और ये जो छोटा सा गैप है इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पार्शियली, मतलब इलेक्ट्रॉन जो जंप करने का जो रेट है वो बहुत कम होता है, इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जंपिंग जो होगा वो कंडक्शन बैंड में ज़्यादा होने लगेगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर देंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, और बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जंपिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ओके, अब यहाँ बात करनी दो तरह के, जो मेनली सेमीकंडक्टर हैं उनकी बात करनी है। तो देखिए एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, तो इसमें है कि व्हेन द क्रिस्टल ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। ग्रुप 14 एलिमेंट का मान लो कोई क्रिस्टल हो, मतलब सिलिकन का हो कोई क्रिस्टल, और उसमें हम फास्फोरस का या आर्सेनिक का डोपिंग कर दें। डोपिंग आपको मालूम है, डोपिंग क्या होता है, किसी एक तरह के सबस्टांस में दूसरे तरह के सबस्टांस को डाल देना, मिक्स कर देना, ये डोपिंग कहते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर सिलिकन का मान लो पूरा क्रिस्टल है, पूरा सिलिकन एटम का बना हुआ है, उसमें हम एक फास्फोरस एटम डाल देते हैं। तो चूंकि ग्रुप 14 एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो वो जितने भी एटम्स रहे होंगे क्रिस्टल में वो सभी चार बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ बंधे होंगे। लेकिन जैसे ही हम फास्फोरस को उसमें पुट करते हैं तो फास्फोरस को पुट करने पर होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फ्री हो जाएगा, चार तो बॉन्ड कर लेगा बाकी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, क्योंकि फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 होता है। ओके, अब इस कंडीशन में
एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बट द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री विच कॉजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ओके, जैसे आप यहां देख सकते हो चारों तरफ सिलिकन, बीच में एक फास्फोरस डाल, फास्फोरस चार बॉन्ड तो कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रह गया। ओके, तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर आगे है पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो व्हेन द क्रिस्टल ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट डोप्ड विद द ग्रुप 13 एलिमेंट। ओके, जब ग्रुप 14 एलिमेंट वाले क्रिस्टल को ग्रुप 13 एलिमेंट वाले के साथ डोपिंग कर दो तो होगा क्या कि अब ग्रुप 13 एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 होगा। तो यहां पर क्या होगा कि एक वैकेंट स्पेस बच जाएगा। ओके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कम पड़ जाएगा ग्रुप 13 वाले के पास, जिसकी वजह से जो फोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स में उनका पेयरिंग नहीं हो पाएगा और पेयरिंग नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी फ्री रह जाएगा उसको हम लोग, और साथ साथ एक पॉजिटिव होल्स बच जाएगा, एक होल बचेगा उसको हम लोग पॉजिटिव होल कहते हैं, और उसी की वजह से फिर क्या हो पाएगा यहाँ पर कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। दीज एलिमेंट्स हैव थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो वन लैटिस पॉइंट रिमेन्स वैकेंट। दिस वैकेंट स्पेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रह जाने की वजह से ये आपका क्या होता है कि यहाँ पर कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है, जैसा कि इस फिगर में आप देखोगे। देखो यहाँ सिलिकन सिलिकन, हम बोरोन का यहाँ पर डोपिंग किए। ओके, बोरोन का जब हम डोपिंग किए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोरोन तीन इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, तो एक अब इधर तो बॉन्ड नहीं कर पा रहा, अब नहीं कर पा रहा तो सिलिकन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह गया और यहाँ बोरोन के पास एक वैकेंट स्पेस बच गया। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड रह गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा मूव करने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर कंडक्शन होगा। ओके, क्लियर अभी बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 1.18, ये क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1। कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट अ सबस्टांस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, बोल रहा है कि स्टोइकोमेट्री जो है एक्चुअल स्टोइकोमेट्री Cu2O के लिए, ओके, क्यूप्रस ऑक्साइड के लिए 2:1 का होना चाहिए, Cu2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2:1 होगा, लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया तो ये Cu2O का जो आपका स्टोइकोमेट्री था वो 2:1 नहीं उससे कम था। अब इस कारण से ये देखा गया कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा, तो आखिर क्या कारण है वो कारण बताना। तो देखो बात करें यहाँ पर हम लोग तो Cu प्लस और Cu2 प्लस दो स्पेसिज, Cu प्लस और Cu2 प्लस के रूप में, तो Cu2O में जो अभी है वो Cu प्लस है। अब हम क्या करें कि Cu प्लस को हटा के एक जगह से Cu प्लस को हटाए और उसको चेंज करें और Cu2 प्लस डाल दें। ओके, एक जगह से Cu प्लस को हटाए और Cu2 प्लस को डाल दें तो एक प्लस चार तो ज़्यादा हो जाएगा पूरे सिस्टम में,
अब इसके बढ़ जाने की वजह से एक और CO प्लस को रिमूव करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो एक CO2 प्लस को अगर डालें तो दो CO2 प्लस को वहाँ से रिलीज कराना पड़ेगा क्रिस्टल में से। ओके, एक CO2 प्लस के आने से दो CO प्लस रिमूव हो जाएंगे। तो एक जगह तो CO2 प्लस ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन एक जगह जो होगा वो वैकेंट हो जाएगा। ओके, एक जगह वैकेंट हो जाएगा, और वही अब एक जगह वैकेंट हो गया, एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया, और इसी वजह से वो कहेंगे हम लोग कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट को स्टडी करें, बोल रहा द रेशियो इन Cu2O इज लेस देन 2:1, इट शोज दैट Cu प्लस आयन इज रिप्लेस्ड बाई Cu2 प्लस फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वन Cu प्लस Cu2 प्लस आयन रिप्लेसेस टू Cu प्लस आयन Cu प्लस आयन एंड क्रिएटिंग अ होल, हेंस कंडक्शन अकर्स ड्यू टू पॉजिटिव होल्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 1.19। इसमें बोल रहा फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरे ऑफ ऑक्साइड आयन विद टू आउट ऑफ एवरी थ्री ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाई फेरिक आयन्स, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन बोला जा रहा कि हेक्सागोनल क्लोज पैक में है आपका, और यहाँ पर जो फेरिक आयन है यानी Fe3+ है, ये हर एक तीन ऑक्टाहेड्रल में से दो ऑक्टाहेड्रल साइड को ये ऑक्यूपाई कर लिया है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, बोलो नंबर ऑफ आयन्स कह सकते हो, Fe3+ इज टू O2-, तो Fe3+ का क्या बताएगा 2/3। ओके, इज टू 1, तो आएगा कितना 2:1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Fe2O3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1.20, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर अ पी टाइप और से एन टाइप सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम डोप्ड विथ इंडियम, जर्मेनियम आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 14 एलिमेंट है, और इंडियम जो है ग्रुप 13 एलिमेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ग्रुप 14 में ग्रुप 13 को हम लोग डोप करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट होगी, और इस वजह से वहाँ पर पॉजिटिव होल्स बनेंगे जिसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है कि बोरोन डोप्ड विथ सिलिकन, बोरोन में सिलिकन का डोपिंग। तो बोरोन ग्रुप 13 एलिमेंट है और सिलिकन ग्रुप 14 एलिमेंट है, तो आप ग्रुप 13 वाले में ग्रुप 14 का करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा। ओके, क्योंकि ये तीन इलेक्ट्रॉन वाला है ना और ये चार है, तो चार वाले को डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह जाएगा तीन वाले क्रिस्टल में डालने पर, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द सेल। रेडियस दिया हुआ, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए हम लोग का फॉर्मूला जो है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज सेल ऑफ द यूनिट सेल के बीच में, उस फॉर्मूले को पुट करें तो हम लोग के पास A=2√2R है फॉर्मूला। तो 2√2 × 0.144 नैनोमीटर, बाकी वैल्यू को पुट कीजिए, √2 के वैल्यू को पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर जो आ रहा क्या आ रहा, तो 0.407 नैनोमीटर। क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कीजिए कंडक्टर और इंसुलेटर को, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को। तो अगर बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो कंडक्टर जो होता है
तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप करते रहते हैं, ओके, एक दूसरे में ओवरलैप करते रहते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बिल्कुल एक दूसरे पे इस तरीके से चढ़े हुए रहते हैं, कोई गैप नहीं रहता, ओके। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में कोई गैपिंग नहीं होता। तो मतलब देयर इज नो फॉरबिडन गैप, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ से। अब ये बात सच, ओके, आपका एक छोटे से टाइम के लिए इंक्रीज देखा जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही स्मॉलर टाइम होगा जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है। फिर वहीं अगर हम लोग इंसुलेटर की बात कर लें, तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लाइक ऐसा, ये लंबा गैप होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जंपिंग नहीं हो पाता और कंडक्शन नहीं हो पाता, ओके। यानी देयर इज लार्ज फॉरबिडन गैप, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्शन ऑफ इंसुलेटर, ओके। फिर आगे बात करें हम लोग सेमी कंडक्टर की, तो द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड हैज ए स्मॉल गैप, एक छोटा सा गैप होगा सेमी कंडक्टर में, ओके, कुछ इस तरीके से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, ओके। सो देयर इज ए स्मॉल फॉरबिडन गैप, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, ओके। और सेकेंड में यही था कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में, तो कंडक्टर को तो ऊपर हम लिख ही लिए हैं और सेमीकंडक्टर का नीचे लिख दिए, तो ये आप इस तरीके से कर लोगे दोनों का, ओके। तो ये रहा हम लोग का आज का, अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन आगे क्वेश्चन के साथ, ओके।